पहले तो आप शिल्पा शिंदे को विकास के साथ लड़ते देखते थे, लेकिन अब शिल्पा हिना खान को भी नहीं छोड़ेंगी। जी हां, आने वाले एपिसोड में होने वाली है हिना खान और शिल्पा शिंदे की लड़ाई। असल में विकास से लड़कर शिल्पा जरा साइड हटेंगी ही कि हिना खान उनके पास चली जाएगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। यहाँ गौर कीजिए इस बात पे कि हिना खान सभी के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है हिना एक अच्छा खिलाड़ी बनने की। जहाँ जिसका भी झगड़ा होता है हिना खान समझाने पहुँच जाती है। हिना फटी में टांग अड़ा ही क्यों रही है, जरा ये बताइए। चलिए आपको हिना और शिल्पा के झगड़े के बारे में बताते हैं। दरअसल शिल्पा शिंदे को समझाने जाएंगी हिना खान तो हिना को उल्टा शिल्पा खरी खोटी सुना देगी। हिना खान कहेंगी शिल्पा शिंदे से कि देखो शिल्पा, मैं तुम्हारे और विकास के झगड़े में नहीं पड़ना चाहती। इतने में ही शिल्पा कह देगी हिना से कि तुम्हें बीच में पड़ने को कह कौन रहा है। लीजिए यहाँ पर हिना खान को टीआरपी शिल्पा ने नहीं बटोरने दी, बल्कि हिना खान के साथ साथ खुद भी सुर्खियों में आ गई। इसके बाद हिना ने पलटकर जवाब दिया कि बिल्कुल मुझे किसी ने इस झगड़े में पड़ने को नहीं कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे सामने कुछ भी गलत होगा तो मैं उसका विरोध जरूर करूंगी। इतने में ही शिल्पा बार बार गलत शब्द को दोहराने लगी। वो कहने लगी, गलत ऐसा तुमने कब होते देख लिया, गलत तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। फिर क्या था, हिना खान आई शिल्पा के पास से वापस और कहने लगी सभी घर वालों से कि शिल्पा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, उनका कुछ नहीं हो सकता। हिना, लेकिन हम आपको यहाँ जरूर समझाएंगे कि सबको समझाकर आप लाइमलाइट नहीं बटोर पाएंगी। सपना चौधरी को तो आपने समझा दिया था और उन्होंने चुपचाप आपकी बात सुनी भी थी जब सपना और जुबैर का झगड़ा हुआ, लेकिन ये शिल्पा शिंदे हैं, भाभी जी भी आपसे कम नहीं है। फाइनल कार्ड एंटरटेनमेंट डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।